स्कूल ने छात्रों और टीचर्स के बीच कराया ऐसा भद्दा कंपटीशन, होने लगी थू थू देखे वीडियो। जब भी बात स्कूल कॉम्पिटिशन की होती है तो जाहिर तौर पर आप क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या फिर कोई क्विज कॉन्टेस्ट के बारे में सोचते होंगे, लेकिन एक मिडिल स्कूल ने ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचा हुआ है। लोग स्कूल प्रबंधन पर खास भड़के हुए हैं। कई विभागों ने कॉम्पिटिशन को स्कूल की घटिया मानसिकता करार दिया है। आइए जानते स्कूल ने आखिर ऐसा क्या किया जिसे लेकर लोग कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। ये मामला अमेरिका के वॉशिंगटन का है, जहां केनेविक में डेजर्ट मीटिंग मिडिल स्कूल में 31 मार्च को एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद से अभिभावक काफी भड़के हुए हैं। वायरल क्लिप में छात्रों और शिक्षकों एक ऐसे ही समय में शीशे के दोनों हिस्सों पर लगे मार्शमेलो क्रीम चाटते हुए दिखाया गया है। इस दौरान कुछ छात्रों ने खुद को बहुत असहज महसूस किया। फॉक्स न्यूज से बातचीत में बच्चों के माता पिता से एक मेगन शाह ने कहा, उन्हें यह देखकर काफी धक्का लगा कि स्कूल में इस तरह की ओछी प्रतियोगिता भी आयोजित हो सकती है। मेगन का दावा है कि उन्होंने स्कूल प्रबंधन और मानव संसाधन विभाग को ईमेल कर प्रतियोगिता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। उनके अनुसार एक वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल फोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान हंसती हुई नजर आती है। महिला का कहना है कि एक समय पर तो ऐसा भी लगा जैसे कोई कामुक खेल चल रहा हो। मेगन ने कहा कि मैं कतई ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने आगे कहा कि उनकी ही तरह के कई माता पिता भी इस तरह की गतिविधि से बेहद परेशान दिखे। वही मामला उछलता देख स्कूल की प्रिंसिपल कैसी गेंट ने माफी मांग ली है, साथ ही कहा कि भविष्य में ऐसा कभी भी नहीं दोहराया जाएगा।